हनुमानगढ़ की नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन आज क्षेत्र के विभिन्न थानों के दौरे पर निकली। इस दौरान उन्होंने जिला के कई थानों के निरीक्षण किए और पुलिस कर्मियों के हालचाल जानकर उनका हौसला बढ़ाया। इसी सिलसिले में पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने नोहर थाने का भी निरीक्षण किया। यहां पहुंचने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा, उप पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह और सर्किल इंस्पेक्टर सुदर्शन बिश्नोई ने उनकी अगवानी की। इस अवसर पर नोहर पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने नोहर थाना भवन का निरीक्षण करने के उपरांत वहां उपस्थित पुलिस कर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने पुलिस रिकॉर्ड जांचा और पुलिस की कार्यक्षमताओं की जानकारी ली। बाद में पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हो रहे संगठित और गैर संगठित अपराधों पर अंकुश लगाना ही उनकी प्राथमिकता है। प्रभावशाली लोगों द्वारा सिंचाई पानी की चोरी और असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही नशे की तस्करी पर उनका विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने पुलिस कर्मियों से जनता के प्रति अपना व्यवहार मधुर रखने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का खौफ होना भी बहुत जरूरी है। अगर अपराधी पुलिस के नाम से डरेंगे तभी अपराध की दर कम हो सकेगी। बाद में उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने पत्रकारों से क्या कहा। मुख्य रूप से अपराध की दृष्टि से तो जो इंटरस्टेट क्राइम है, ड्रग्स विशेष रूप से जो मेडिकेटेड नशा है, प्लस शराब, जुआ सट्टा, इस तरह की जो गतिविधियाँ चल रही हैं, इनके खिलाफ निरंतर कार्रवाई करना और सख्ती जारी रखना पुलिस के लिए बहुत आवश्यक है ताकि आमजन में हमारे प्रति विश्वास कायम हो और इनसे जुड़े हुए किसी अन्य प्रकार के अपराध नहीं हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए हम इससे प्रभावी कार्रवाई करें। इसके अलावा अभी कुछ जैसे प्रॉपर्टी संबंधी, संपत्ति संबंधी अपराध गत दिनों में हुए हैं, इस प्रकार के अपराधों को शीघ्र से शीघ्र खोलना और उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। उसके प्रभावी रोक लगे, इसके लिए क्या प्रयास पुलिस के लिए किए जा रहे हैं? कल जिला स्तर पर वाटर रेगुलेशन की मीटिंग भी हुई थी और जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जिस जिस क्षेत्र के लिए जितना जितना किया गया है उसके लिए पुलिस भी प्रशासन के साथ पूर्ण रूप से मिलकर प्रयास करेगी कि पानी चोरी की घटनाएं ना हो, और यदि कहीं इस प्रकार की घटना सामने आती है तो हम उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में नोहर में भी हमने इसीलिए एडिशनल जाब्ता दे रखा है कि लगातार इस पर गश्त हो सके, उसकी हम निगरानी रख सकें कि इस तरह की घटनाएं नहीं हों। बावजूद इसके यहाँ पानी चोरी को लेकर मर्डर तक हो जाते हैं मैडम, पीछे कुछ दिन बड़ी हुआ है, तो क्या माने कि पुलिस प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर रही है या सिंचाई विभाग का वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि पुलिस गश्त नहीं कर रही, निगरानी नहीं कर रही। इस प्रकार की जहाँ जहाँ कंप्लेंट्स आती हैं हम निश्चित रूप से कार्रवाई अब तक भी करते रहे होंगे, आगे भी हम पूरी तत्परता से सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं जो हमारे संज्ञान में आती हैं हम उसके खिलाफ इमीडिएटली कार्रवाई सुनिश्चित करें। इनसे संबंधित किसी प्रकार का अपराध होता है तो मैं यही कह सकती हूँ कि उस अपराध में जो भी व्यक्ति संलिप्त होंगे हम उनको किसी भी दृष्टि से उनके खिलाफ पूरी सुदृढ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि वो लोग इससे बच नहीं सके। जिले में अब दूसरी महिला एसपी हैं, तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या नया कार्य योजना रहेगी पुलिस की? महिला सुरक्षा में पुलिस मुख्यालय द्वारा आवाज कार्यक्रम, एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम और अवेयरनेस फॉर जस्टिस चलाया गया है। उसी के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, बालिकाओं को अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि महिला के विरुद्ध जो विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं, अत्याचार होते हैं, उनको किस प्रकार से उनके विरुद्ध वो आवाज़ उठा सकती हैं। इसके अलावा इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जो हमारा युवा वर्ग है, विशेष रूप से जो किशोर युवक हैं, किशोर हैं, युवक हैं, उनको हम अवेयर करें कि ना केवल कानूनी रूप से अवेयर करें कि किस किस प्रकार के व्यवहार उनके द्वारा ना समझी में किया हुआ भी कानून की दृष्टि से अपराध बन सकता है, और साथ ही साथ महिलाओं को यदि प्रति ज़्यादा गरिमापूर्ण सम्मानजनक व्यवहार के लिए उन्हें प्रेरित करें। एक मैडम, पुलिस थानों में जाब्ते की कमी है, काम भी प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता जैसे लाइन में ऐसे जाब्ता हो तो थोड़ा पुलिस थानों को दिया जाए तो कार्यप्रणाली सुधार हो? मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगी कि यदि किसी थाने में विशेष रूप से कमी है तो हम ऑप्टिमम रूप से पूरे ज़िले में सुनिश्चित करें
कि हमारे पास जो अवेलेबल रास्ता है, अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसका समान रूप से बंटवारा करते हुए इस समस्या का समाधान करें। शराब के अवैध ब्रांचिंग खूब खुली हुई है जिले में, उसके बारे में पुलिस कोई विशेष कार्रवाई नहीं कर रही है। आपने बताया है और भी जहाँ से भी इनपुट आएगा हम निश्चित रूप से जिस प्रकार की कोई है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिर नशे के खिलाफ जो आपने अभियान चला रखा है प्रहार, वो क्या पूर्व की जिम्मेदारी रहेगी? हाँ, प्रहार और प्रचार प्रसार के लिए, जागरूकता के लिए संजीवनी अभियान जो चलाया गया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों अभियान बहुत जोर शोर से जारी रखें और एक तरफ बच्चों को, युवाओं को जागरूक करें कि नशा करना कितना गलत है और दूसरी तरफ जो इस अपराध में संलिप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। अच्छा, जिले में पहले क्यूआरटी की टीम एक्टिव रही है, जो डीएसपी आए हैं उन्होंने अपने स्तर पे टीमें बनाई है, क्या अब भी वर्तमान में ऐसी क्यूआरटी टीम रहेगी जहाँ लोकल पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही हो तो क्यूआरटी कार्रवाई करेगी? जितना मेरी जानकारी में है क्यूआरटी का पर्पस मुख्य रूप से अपराध की कार्रवाई नहीं है, अपराध की कार्रवाई जो रूटीन अपराध की कार्रवाई है उसमें क्यूआरटी का रोल नहीं है, लेकिन डीएसटी की टीम जो बनी हुई है निश्चित रूप से इस प्रकार की कहीं आएगी जहां हमें लगता है कि लोकल पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो हम निश्चित रूप से डीएसटी के माध्यम से भी कार्रवाई करेंगे और लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि थाने पर किसी प्रकार की उसमें ढिलाई रही है तो उसके खिलाफ भी जो भी व्यक्ति इस पुलिस कार्रवाई के किसी की भूमिका इसमें आती है तो उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने बहुमूल्य कॉमेंट भी हमें भेजिए ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सके। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल डी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल डी को तुरंत सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो तुरंत और सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक आप हर तरह की ताज़ा जानकारी और ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।